नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपको हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में देखना है सेंट्रिफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल और सेंट्रिफ्यूगल पंप का जो बेसिक डायग्राम है और उसके जो पार्ट्स है वो देखने हैं। तो बेसिकली पंप मतलब क्या? पंप इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी, इट्स कॉल्ड पंप। तो ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी रहती है ये किस में होती है? प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में रहती है। तो अभी सेंट्रिफ्यूगल पंप मतलब क्या? When mechanical energy is converted into hydraulic energy by means of centrifugal pump, by means of centrifugal force, that machines are called centrifugal pump. जब मतलब mechanical energy का hydraulic energy में conversion हो रहा है लेकिन by means of centrifugal force, तो वो pump जो machines होते हैं उसको centrifugal pump कहते हैं। तो अभी ये तो हो गया पंप और सेंट्रिफ्यूगल पंप का डेफिनेशन, लेकिन ये जो पंप दिख रहा है आपको, डायग्राम जो दिख रही है, ये बेसिकली आपने अगर यहाँ पाइप ने ड्रॉ किया और ये कंसीडर किया यहाँ पे पेनस्टॉक है आपका, तो ये कैसा है? ये पेल्टन आपका जो टर्बाइन जो है, जैसे पेल्टन व्हील हुआ, रेडियल टर्बाइन रहा, एक्सेल टर्बाइन रहा, लेकिन रेडियल टर्बाइन में क्या रहते हैं, इसको अगर थोड़ी देर के लिए रेडियल टर्बाइन कंसिडर कर लेते हैं और ये पेनस्टॉक है, तो रेडियल टर्बाइन में क्या होता है, आपका वाटर पेनस्टॉक से आता है, रेडियली पूरा घूम के यहाँ पे टर्बाइन रहेगा, टर्बाइन को रोटेट करके वो वाटर क्या होता है, यहाँ से वो नीचे ड्राफ्ट ट्यूब में चला जाता है। मतलब क्या? आपका जो सेंट्रिफ्यूगल पंप है ये क्या है? रिवर्स है। मतलब जो रेडियल फ्लो टर्बाइन है उसके रिवर्स में काम करता है, ऐसे सेंट्रिफ्यूगल पंप है। लेकिन ये सेंट्रिफ्यूगल किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? ये वर्किंग प्रिंसिपल, ये फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो मतलब क्या है? व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ लिक्विड रोटेटेड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क, देन प्रेशर हेड राइज एट टू दैट लिक्विड, ये ऐसा फोर्स वोर्टेक्स फ्लो है। मतलब इसका राइज कितना होता है? स्क्वायर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, इतना होता है। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वी स्क्वायर बाय 2g है। आपका जो प्रेशर हेड में राइज जो होता है वो वी स्क्वायर बाय 2g। ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था सेंट्रिफ्यूगल पंप का। अभी जाते हैं इसके जो पार्ट्स है उसके तरफ जाते हैं। आपको ये बेसिक डायग्राम है, कभी कभी अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको 4 मार्क्स के लिए ड्रॉ करने को आती है, ड्रॉ वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, बेसिकली एक एक पार्ट में आपको बता देता हूँ। आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे आपका ये है जो शाफ्ट है, जो शाफ्ट आपके इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्ट रहता है, और यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है वो आपका आई है। मतलब ये जो डॉटेड पोर्शन आप देख रहे हो वो आई ऑफ इम्पेलर है आपका, जहाँ से क्या होता है आपका वाटर आपके केसिंग के अंदर आता है। आपको ये जो रोटेटिंग पार्ट दिख रहा है, मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है उसके ऊपर जो वैनेज है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इम्पेलर कहते हैं। अभी इम्पेलर क्या है? एक इम्पेलर क्या है कि सर्कुलर डिस्क है, उसके ऊपर क्या किया है, बैकवर्ड कर्व शेप वैनेज आपको क्या किए यहाँ पे फिक्स किए हैं। और सेंट्रिफ्यूगल पंप में क्या रहा है? सेंट्रिफ्यूगल पंप में एक ही रोटेटिंग पार्ट है आपका इम्पेलर, ठीक है। बाद आपका आता है फुटवॉल एंड स्टेनर। यहाँ से जो आप दिख रहे हैं डॉटेड लाइन्स, ये क्या आपका सक्शन पाइप है। ये जो लाइन है ये सम्प है, मतलब जो आपका सोर्स है वाटर का सोर्स, ये सोर्स मैंने यहाँ पे दिखाया है। और ये जो सक्शन पाइप मतलब क्या? सक्शन पाइप मतलब एक ऐसा पाइप है जो क्या कर रहा है, आपके पंप के आय से लेके आपका जो सोर्स है जहाँ से आप पानी लेने वाले हैं वहाँ तक जो पाइप कनेक्ट रहता है उसको सक्शन पाइप कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है फुटवॉल एंड स्टेनर। अभी ये फुटवॉल क्या रहता है एंड स्टेनर क्या रहता है? फुटवॉल क्या है? वन वे वॉल है। वन वे वॉल कैसा कंसिडर कर लिया, ऐसा पाइप है और ये आपका यहाँ से वाटर जाता है। तब क्या होता है, जब यहाँ से वाटर जा रहा है, ये सर्कुलर बॉल है, तो क्या होता है जब वाटर इसको लिफ्ट करेगा तो ये क्या होगा, बॉल ऊपर उठ जाएगा और आपका वाटर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब आप पंप क्या कर देगा, आपका पंप ऑफ कर दोगे, तब क्या होगा, ये जो सर्कुलर जो बॉल है वो क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगुलर कैविटी है उसके अंदर फिट बैठ जाएगा और ये जो ऊपर का वाटर है आपका वो ऊपर ही रहेगा और नीचे नहीं जा पाएगा। ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? प्राइमिंग के लिए। एक बार अगर आपने सेंट्रिफ्यूगल पंप का प्राइमिंग किया तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? ये इसकी वजह से, क्योंकि ये बॉल क्या करता है, एक वॉल का काम करता है, वो क्या करता है, उसको वहीं पे पानी रोक देता है। वो पानी आपका पूरा रिजर्वायर की तरफ, मतलब यहाँ पे आपका सम्प है, वो ऊपर का जो वाटर है वो ऊपर पूरा आपके सम्प की तरफ नहीं जाता है। और स्टेनर मतलब क्या है? एक जाली टाइप है, वो क्या करता है, आकर आपके रिजर्वायर में, कंसिडर कर लो रिवर है, लोग रिवर में क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं कपड़े वगैरह, तो क्या होगा, अगर बाय मिस्टेक एक खादा क्लॉथ यहाँ पे आपके इम्पेलर में फंस गया
तो क्या हो जाएगा, इम्पेलर रोटेट होना बंद हो जाएगा। रोटेट होना बंद हो गया तो क्या होता है, मोटर तो स्टार्ट ही रहती है, फिर क्या होगा, मोटर गर्म हो जाएगा और मोटर जल जाएगा। इसकी वजह से फॉरेन पार्टिकल्स आपके अंदर नहीं जाने चाहिए पंप के अंदर, इसलिए स्ट्रेनर है। उसके बाद है आपका डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप का काम क्या है कि केसिंग से डिलीवरी पाइप क्या करता है, जो राइज वाटर का जो राइज हुआ है प्रेशर हेड का, वो क्या करता है, डिलीवरी पाइप डिलीवरी केसिंग से लेके आपका जो एप्लीकेशन रहेगा टेरेस तक, जहाँ कंसिडर आप हाउस होल्ड एप्लीकेशन लेते हो, तो टेरेस तक उसको पहुँचाने का काम क्या है, डिलीवरी पाइप का काम है। अभी मेन पार्ट है आपका केसिंग। ये जो केसिंग देख रहे हो आप, ये केसिंग जो है आपका सेम जो टर्बाइन का जो केसिंग है वैसे ही केसिंग है ये, लेकिन ये एयरटाइट पैसेज रहेगा ये केसिंग का। और ये आपके जो सेंट्रिफ्यूगल पंप का केसिंग है, इसका मेन मेन इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, आपका जो वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आपका केसिंग करता है। मतलब जो वाटर यहाँ से आपका बाहर जाने वाला है केसिंग से, वो क्या करता है, केसिंग उसका काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वाटर को डायरेक्शन देने का भी उसका काम है। ऐसा ये केसिंग।